हम यूनिट वन के लास्ट टॉपिक्स पे आ रहे हैं कि इट वुड सीम दैट वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस माइट बी, क्या उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू आई नो हाउ वेल आई एम टीचिंग, मैं कैसे जानूं कि मैंने कितना अच्छा टीचिंग करवाई है, जितना अच्छा पढ़ाया है। हाउ कैन आई इंश्योर माई स्टूडेंट्स लर्न वट दे शुड लर्न, मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरे स्टूडेंट जो सीखा है और वट दे शुड लर्न जो वो सीखना चाहते थे, एंड हाउ कैन आई कंटिन्यू टू इम्प्रूव, और मैं किस तरह से कंटिन्यूली इम्प्रूव कर सकता हूँ। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैं रिकॉल दे देता हूँ, रिवीजन दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूनिट वन में हमने क्या स्टडी किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूनिट वन हमने जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, यूनिट वन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग स्टडी किया डिटेल में। उम्मीद है आपको टीचिंग के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड स्टेट्स क्लियर होंगी और किस तरह से आप बिकमिंग अ प्रोफेशनल टीचर बन सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे, हमने कंप्लीट 6 ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट से रिलेटेड के क्या टीचिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव टर्म्स क्या है टीचिंग की, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, वेरियस वेज कौन कौन से हैं टीचिंग करवाने के, कौन से फैक्टर हैं जिससे इफेक्टिव टीचिंग होती है, और किस तरह से हम लर्निंग एनवायरनमेंट मोर कंडक्टिव बना सकते हैं। फिर हमने टीचिंग की डेफिनेशन की, जिसमें हमने स्टडी किया डिटेल में, टीचिंग इज एन आर्ट एंड एकेडमिक प्रोसेस, डिटेल स्टडी की इसके बारे में। फिर हमने लिटरेचर, गुड टीचर्स के बारे में, लिटरेचर क्या कहता है वो स्टडी किया, जिसमें एक टीचर नॉलेजेबल होना चाहिए, अडॉप्ट और ऑर्गेनाइज करे सिस्टमेटिक अप्रोच टीचिंग करवाने के लिए, इंटरेस्ट इंक्रीज करे बच्चों का, रिस्पेक्ट करे अपने स्टूडेंट्स के साथ और उसके साथ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हाई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। फिर हमने विल्केंट्स व्यू देखे कि वो टीचर्स के बारे में क्वालिटी के लिहाज से और लर्निंग के लिहाज से क्या करता है, जैसे लर्निंग मीन्स मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न बाय स्टिमुलेटिंग देयर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, बाय चैलेंजिंग देयर कैपेबिलिटीज एंड बाय इंकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डूइंग, के वो चैलेंज के साथ वो जो चीज़ नहीं जानते उसको जान जाए, इस काबिल हो जाए, और उनकी जो लर्निंग है वो इस फैक्टर तक इम्प्रूव करे कि चीज़ें उन्हें याद भी रहे और वो उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें। फिर हमने ओवरऑल जितना कुछ स्टडी किया ऑल अबाउट टीचिंग, कि टीचिंग क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या उनकी बैकग्राउंड देखनी है, वो कंप्लीट जो अभी तक स्टडी किया ये ऑल अबाउट टीचिंग ही है। फिर हमने कुछ टीचिंग से रिलेटेड एग्जम्पशंस देखी, फिर लर्निंग से रिलेटेड हमने एग्जम्पशन स्टडी की, फिर क्लासरूम की डिवीजन के 60% टाइम हमने लेक्चरिंग में देना है, 10% स्टूडेंट के इंडिपेंडेंटली वर्क पे होता है, और ग्रुप वर्क पे 15% और अदर जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर 15%। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हमने स्टडीज किए, जिसमें आपको एक असाइनमेंट भी दी थी। उसके बाद हमने लर्निंग को डिटेल में स्टडी किया, लर्निंग के हमने फैक्टर्स और इंजॉयिंग लर्निंग किस तरह कर सकते हैं, लर्निंग के भी डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी की, जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड उसके बाद सरफेस लर्निंग स्टडी की। उसके बाद हमने डीप लर्निंग स्टडी की, डीप लर्निंग के बाद हमने किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं डीप लर्निंग को, ये स्टडी किया। फिर आज के टॉप लेक्चर में हमने इफेक्टिव लर्निंग किस तरह की जाती है, रिवार्ड्स के ऊपर हमने अच्छी खासी एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी की, इंट्रेंसिक रिवार्ड्स को हमने स्टडी किया, फिर हमने इमोशनल रिवार्ड्स को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल रिवार्ड्स के बारे में डिस्कशन की, फिर फोर्थ में हमने एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स के बारे में स्टडी की, डिस्कशन की डिटेल में। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर हमने 6 करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग एंड लर्निंग के लिहाज से स्टडी की। उसके बाद स्ट्रेटजीज हमने देखी कि कौन से स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं हम टीचिंग के लिए, फिर कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं टीचिंग के लिए। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, कंसिडरेशन ली कि एज अ टीचर हमें किस चीज़ की कंसिडरेशन करनी चाहिए, और रिफ्लेक्शन, एक टीचर क्या रिफ्लेक्ट कर सकता है उन क्वेश्चंस के, कैसे आंसर कर सकता है,
और एट दी एंड हमने देखना है कि जो भी हमने पढ़ाया, जो भी हमने गोल सेट किए थे, जो भी हमने प्लान बनाया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और बच्चों को कितना समझ आया, कितना याद है और वो हमारी टीचिंग से कितना इम्प्रेस या लर्न कर पाए हैं और हम किस तरह से हम इन्वायरमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 1 कम्प्लीट हो गया, अब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे।